15 मिनट पहले एक ट्वीट आया है अरुण जेटली वित्त मंत्री हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वो ये लिखते हैं वॉच मी लाइव प्रेजेंटिंग द यूनियन बजट 2017 एट 11 AM February 1, 2017 इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज बजट पेश किया जाएगा ये खुद वित्त मंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दे दी है यानी अब वो सारी शंकाएं सारा संशय सारी जो असमंजस की स्थिति है वो अब खत्म हो गई है आज बजट जो है वो पेश होगा अब नहीं होने पर किसी तरह का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि अरुण जेटली खुद ये ट्वीट कर चुके हैं पीएम मोदी भी संसद भवन पहुंच चुके हैं संसद भवन पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने दिवंगत सांसद ई अहमद के घर पहुंचकर उनके परिवारों को सांत्वना दी उनसे बातचीत की और उसके बाद अरुण जेटली का ये ट्वीट जो ये बताता है कि अब बजट पेश किया जाएगा तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है 11 बजे आपको फिर याद दिला दूं हिंदी में और क्लिष्ट हिंदी नहीं आसान शब्दों में आपको पूरा का पूरा बजट यहां आपके चैनल पर देखने को मिलेगा और जैसे ही बजट का वो भाषण खत्म होगा बहुत आसान शब्दों में आपने क्या पाया आपने क्या खोया दो दिन नहीं लगेंगे सिर्फ आपको कुछ घंटे लगेंगे और आपको बहुत आसान लैंग्वेज में यहाँ पर पता लग जाएगा अब आपके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है कोलकाता चलते हैं फिर सुनील पाल साहब आपके पास आएंगे क्योंकि बजट से बड़ी उम्मीदें हैं कोलकाता के रहने वालों को देख लेते हैं क्या इस साल महिलाएं हो सकती है मालामाल खैर इस सवाल का जवाब तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ही देंगे जब आज वो आम बजट पेश करेंगे क्या महिलाओं के लिए कोई टैक्स एग्जेम्पशन हो सकता है जो स्पेशली महिलाओं के लिए हो या नोटबंदी का असर इस साल के बजट में दिखेगा आइए हम बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो यहाँ पे कोलकाता में एक ऑर्गेनाइजेशन मिलेनियम मैम्स में है जहाँ पर उन्हें फाइनेंशियल एडवाइजेस दी जाती है आइए उनसे जानते हैं कि आज आम बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सर सबसे पहले तो आप बताइए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस आम बजट से एक तो एक्सपेक्टेशंस है कि रिलीफ तो देंगे ही महिलाओं को स्पेशल दें चाहे टोटलिटी में एग्जेम्पशन लिमिट ATC का जो डिडक्शन है वो और स्लैब्स में भी कुछ कटौती कर सकते हैं इनकम टैक्स और जनरल में बजट आपके बड़ा स्टिमुलेटिंग होगा क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में स्टिमुलेशन चाहिए इकोनॉमी को आपको क्या लगता है अभी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि पिछले साल हमारे इकोनॉमी 3 बड़े बड़े धक्के खाए और उसके बावजूद एकदम स्ट्रॉन्ग चल रहा है सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन मेरा एक्सपेक्टेशन है टैक्स पेयर नेट बेस जो बढ़ाने का बात हो रहा है वो कैसे करेंगे ये एक हैबिट फॉर्मेशन इंडियंस में आना चाहिए कि टैक्स इवेड ना करें एंड टू गो ऑन लेस कैश टू ऑन टेकिंग ऑन अ डिजिटल इकोनॉमी क्योंकि अभी टैक्स स्लैब्स महिला और पुरुष के लिए सेम है आपको लगता है कि इस साल महिलाओं के लिए कुछ स्पेशल टैक्स एग्जेम्पशन हो सकता है क्या नहीं मेरी नज़रिए में टैक्स स्लैब महिला पुरुष दोनों के लिए आई थिंक इस बार बराबर रहेगा बिकॉज ये फोकस नहीं है गवर्नमेंट का इस बार ही लेकिन टू गो फॉरवर्ड टू मूव फॉरवर्ड आई एक्सपेक्ट कि जो टैक्स स्लैब है उसको अगर लोअर टैक्स स्लैब में अगर टैक्स रेट कम कर दिया जाए तो आई थिंक ये जो डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट है जो इकोनॉमी में हिट किया है वो कुछ बेहतर किया जा सकता है लोगों में आदत आनी चाहिए कैशलेस की और टैक्सेस पे करने की जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती सरकार बजट के थ्रू इस विषय पर ध्यान देती ही रहेगी तो यहाँ कोलकाता की क्या उम्मीदें हैं ये आपने देख ली हैं नौकरी पेशा लोग सरकार से राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं सुनील पाल साहब बहुत बहुत सारी उम्मीदें लगा हम बैठे हैं और बहुत हैवी टॉक्स हो गई हैं इसको थोड़ा लाइटर मोड पर लेकर आते हैं लाइट पिंक बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आज लाइट होना बनता भी है क्योंकि आज सर चार्ली चैपलिन जी का 125वां जन्मदिन भी है हम सलाम करते हैं तो जब बजट आने वाला था ये मेरे पत्नी को पता था तो मेरे पत्नी ने मुझसे पूछा कि ए जी बताइए ना बजट क्या आएगा ए जी बताइए ना क्या क्या महंगा होगा ए जी बताइए ना क्या क्या सस्ता होगा मैंने कहा प्रिय ये सब ए जी से नहीं ए जे से पूछ अरुण जेटली और जेटली साहब आपसे भी निवेदन है कि आप बजट ऐसा लाइए 11 बजे कि हम सबके ना 12 बजे क्योंकि सब कुछ आम बजट को मैं तो फल मान रहा हूँ क्योंकि आम भी एक फल है तो आम बजट को मैं फल बजट मान रहा हूँ हम सबको सफल बजट मिले क्योंकि मोदी जी अक्सर जब भी मन की बात करते हैं तो उनकी मन की बात जो है
जेटली जी जरूर समझ जाते हैं और मीडिया में वही सारी बातें क्लियर करते हैं। तो मैंने पूछा मोदी जी से कि जेटली जी हर योजना को कैसे क्लियर कर पाते हैं, तो मोदी जी ने कहा, मित्र मन की बात मतलब रेडियो, और रेडियो मतलब FM, FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब जेटली। वो तो मुझसे मेरे मन की बात और भी ज़्यादा जानते हैं, और भी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन लोगों को ये ना लगे कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है और चाय वाले से ज़्यादा जेटली गर्म है। तो मित्रो अच्छा बजट आएगा, मत रो। अच्छा सुनील जी, चाय से मुझे याद आया, सांता क्रूज स्टेशन पर आप भी चाय बेचा करते थे। बिल्कुल, मैं चाय भी बेचता था, मैं कॉफी भी बेच सकता था, लेकिन कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी, तो मैंने कॉफी नहीं बेची, चाय में बेचता था। और अब उम्मीद है मुझे कि चाय बेचने वाले का भविष्य अच्छा हो सकता है, और ऐसा भविष्य होगा कि चाय बेचने वाला लोगों का भविष्य तय करेगा। और उस इसी के बाद से मैं भी बहुत चाय बना बना के लोगों को पिलाने लगी हूँ। जितने भी मेहमान आते हैं उनको चाय बना के जरूर पिलाती हूँ, ये शगुन टाइप हो गया है। हम लोग मिलकर चाय का बिजनेस शुरू कर देते, चाय का। और ठीक है सुनील जी, मैं आती हूँ आपके पास, और मुझे ये भी पूछना है कि भाई आप क्या आम लोगों से अलग सोचते हैं? अगर हमें आम एक फ्रूट नजर आता है, तो ये आम आपको कॉमेडी लफ्जों में क्या नजर आ जाता है, और कैसे आप ये? मैंने कहा ना, ये आम बजट को मैं फल समझ रहा हूँ, क्योंकि आम भी फल होता है। और मैंने ये कहा कि होना तो वही है जो जेटली जी और मोदी जी चाहेंगे। हम कितनी ही बहस कर ले, कितनी कर ले बहस, कुछ नहीं होने वाला। कितना ही बोले, मार्केट आएगा वही जो उन्होंने सोचा है बजट, तो ये तो वही होगा। लेकिन एकदम सुनील जी, आपने वही बात की है जो घर में अभी ये जो डिस्कशन, बहुत सारे लोग हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक ऐसा जरूर होगा जो ये बात घर में कहीं ना कहीं कह रहा होगा कि भाई कितनी भी बहस कर लो, कितना ही कुछ कर लो, होना वही है जो वहाँ उस पिटारे में है, वो हमें झेलना है और वो हमें इंजॉय भी करना है।